हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का एक सम। द स्टेटमेंट गिवन इज रेगुलर हेक्सागोनल प्लेन 30 mm साइड इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर इन वीपी। द डायगोनल थ्रू दैट कॉर्नर इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू वीपी एंड द एलिवेशन ऑफ दैट डायगोनल इंक्लाइंड टू एचपी बाय 30 डिग्री। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको एक चीज़ बताई थी, सबसे पहले हमको यहाँ पे ये देखना है कि प्लेन की सरफेस कौन सी प्लेन के साथ इंक्लाइंड है। यहाँ पे इनडायरेक्टली हमको दिया है प्लेन की जो सरफेस है दैट इज 40 डिग्री इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन, यानी कि हमारा जो रेफरेंस व्यू है वो एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा। कि प्लेन इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर इन वीपी, यानी कि हमारा जो कॉर्नर है वो लेफ्ट साइड पे होगा। तो चलिए हम लोग ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हेक्सागोन बनाना पड़ेगा और हेक्सागोन की जो हमारी एज है दैट इज इक्वल टू 30 mm, और ये जो मेरी रेडियस होगी दैट इज इक्वल टू 30। यहाँ पे प्लेन मेरी कॉर्नर के ऊपर है तो मेरा सबसे पहले कॉर्नर यहाँ पे चाहिए। ये मेरा कंप्लीट बन गया हेक्सागोन। दिस इज नाउ दिस पॉइंट इज कंसीडर एज ए, दिस इज कंसीडर एज बी, सी। ये कंडीशन में मेरा जो प्लान होगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। So this is my reference plan. So this is A, this is B, F, this is C and E, this is D. अब दोस्तों, सबसे पहला जो मेरा inclination है that is with vertical plane and that is equal to 40 degree. तो यहाँ से मुझे 40 degree की line यहाँ पर बनानी पड़ेगी। और जितना भी plan हमारे पास है which is 60, तो यहाँ से ये जो line हमने बनाई वो हमारी होगी 60 mm। अब दोस्तों, यहां पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स हमको मार्क करने पड़ेंगे, यानी कि यहां से ए बी सी डी इसको मुझे यहां पे ट्रांसफर करेगा। तो ये मेरा यहां पे ट्रांसफर हो गया। दिस पॉइंट इज कंसीडर एज ए, दिस इज बी सी डी ई एंड एफ। अब दोस्तों, ये कंडीशन पे मेरा जो एलिवेशन होगा वो कैसा होगा, तो यहां से मेरा ए का प्रोजेक्शन, यहां से हम लोग लेते हैं तो बी और सी, यहां से ए और डी और यहां से एफ और ई। सो इफ आई मैच ए ए दिस इज माय ए डैस, सिमिलरली ये हो जाएगा मेरा बी डैस, सी 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 डैस डी डैस ई डैस एंड एफ डैस। और ये जो मेरा इंक्लिनेशन था दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड दिस इज विथ वर्टिकल प्लेन। नाउ द सेकंड कंडीशन इज द एलिवेशन ऑफ दैट डायगोनल। दैट डायगोनल मीन्स डायगोनल एडी। सो एलिवेशन ऑफ दिस डायगोनल विच मेक्स 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, 30 टू एचपी। तो दोस्तों, ये जो मेरा पूरा यहां पे एलिवेशन है इसको मुझे यहां पे टर्न करना पड़ेगा ऐसे। तो अगर मैं इसको ऐसे टर्न कर रहा हूं तो मेरा 30 डिग्री की लेंथ है वो ऐसे जाएगी। तो यहां से एक पॉइंट मैंने रखा, यहां से 30 डिग्री कुछ ऐसा होगा। अब यहां पे ये 30 डिग्री है, सो यू कैन से दैट दिस इज
30 डिग्री फ्रॉम हियर, 30 डिग्री। अब ए और डी का जो डायमेंशन है, यानी कि ये जो मेरा डायमेंशन है विच इज रफली अराउंड 46, तो ये 46 मेरा यहाँ पे आएगा, यानी कि एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा। दूसरा मैंने आपको इजी ट्रिक बताया था, सो दिस इज माई ए, तो मैं यहाँ पे अगर मार्क कर लेता हूँ तो वन पॉइंट इज हियर, सेकंड वन इज हियर, वन इज हियर और वन इज हियर। तो ये जो मेरी जो लाइन थी उसके रेफरेंस में मुझे इसको टर्न करना है ऐसे। नाउ दिस पॉइंट इज कंसीडर एज ए डैश एंड दिस पॉइंट इज कंसीडर एज डी डैश। बाकी के पॉइंट हमको किस तरह से ट्रांसफर करना है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो दिस इज परपेंडिकुलर दोनों साइड पे, जितने भी पॉइंट्स मुझे मिले उसको अगर मैं मिला लेता हूं ऐसे, फाइनली जो मेरा प्लान है वो प्लान मेरा कैसा मिलेगा, यहां से ए, यहां से मेरा बी और एफ, यहां से मेरा बी और एफ, यहां से मेरा सी और ई, यहां से फाइनली मेरा डी। जितने भी मुझे पॉइंट्स मिलेंगे वो सारे पॉइंट्स को अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, सो दिस इज माय ए, दिस इज माय बी, दिस इज माय सी, दिस इज डी, दिस इज कंसीडर्ड एज ई एंड दिस इज कंसीडर्ड एज एफ। तो दोस्तों ये मेरा प्लान है और ऊपर जो हमको मिल गया दैट इज कंसीडर एज अ एलिवेशन। दोस्तों फाइनली ये मेरा एलिवेशन है और ये मेरा प्लान है और विच सेटिस्फाई माय बोथ द कंडीशन, माय प्लेन इज इंक्लाइंड टू 40 डिग्री टू वर्टिकल प्लेन एंड द एलिवेशन प्लासिंग फ्रॉम पॉइंट ए मेक्स 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो दोस्तों इसी तरह से आप ये चैनल देखते रहिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।